दोस्तों, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा चेहरा एकदम शार्प और ब्राइट हो, तुम्हारी आंखें बहुत अट्रैक्टिव हो, तुम्हारे लिप्स इतने सुंदर हो कि चुमने का मन करे, तुम्हारे दांत खूबसूरत हो, तुम्हारे चेक बोन्स बहुत सुंदर हो, तुम्हारी जाव लाइन ऐसी हो कि देखने वाला भी तुमसे इम्प्रेस हो जाए, तुम्हारे शरीर की हर एक चीज अट्रैक्टिव हो, तो तुम्हें कैसा लगेगा? आज मैं कुछ ऐसे ही सीक्रेट्स तुम्हें बताने वाला हूँ जिससे तुम्हारी बॉडी का हर एक पार्ट बहुत ही अट्रैक्टिव और हॉट दिखने लग जाएगा। शकल चाहे कितनी ही खराब हो, सोच अच्छी होनी चाहिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। अगर आप भी इस भ्रम में जी रहे हो तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज मैं इस माइंडसेट की धज्जियां उड़ाने वाला हूँ। जो लोग तुमसे ये बोलते हैं कि इंसान का चेहरा साफ होना हो, उसकी नीयत साफ होनी चाहिए, ऐसे लोगों से दूर रहो, क्योंकि ये लोग आपकी जिंदगी के कड़वे सच से दूर रखते हैं। इतने साल स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई करके डिग्री लेने के बाद जब फाइनली एक अच्छी जॉब ढूंढने की बारी आई तो पता चला कि आज की दुनिया में कॉलेज की बुक्स नहीं, अट्रैक्टिव लुक्स मैटर करता है। आज की दुनिया परफेक्ट फेस को लेकर काफी ऑब्सेसिव हो गई है। कहीं भी जॉब मांगने जाओ, तुम्हारे चेहरे की खूबसूरती से उस चीज पे बहुत फर्क पड़ेगा। अगर तुम्हारा चेहरा थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा है, तुम्हारे दांत थोड़े बाहर है, या फिर तुम्हारी नाक फुली हुई है, तुम्हारा चेहरा सावला है या किल मुहासे है, तो लोग तुम्हें एंटरटेनमेंट का सोर्स बना के तुम्हारे चेहरे पे कमेंट करने लगते हैं और तुम्हारा मजाक उड़ाया जाता है। पर तुम्हें एक समझदार इंसान बनने की जरूरत है, इन चीजों से तुम्हें निराश नहीं होना है। वैसे तो काफी सारे लोग अपने चेहरे को परफेक्ट शेप देने के लिए महंगे महंगे ऑपरेशन करवाते हैं, महंगे महंगे क्रीम लगाते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे रेगुलर करने से आपका फेस भी एक प्रॉपर शेप में आएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं नोज से, यानी नाक। ज्यादातर लोगों का नोज अनहेल्दी डाइट हैबिट्स की वजह से मोटा दिखने लगता है, लेकिन आप इस सिंपल से एक्सरसाइज से अपने नोज को स्लिम बना सकते हैं। इसके लिए आपको बस अपने दोनों हाथों की पहली फिंगर को इस तरह से नोज की दोनों ओर मसाज करना है। अब बात करते हैं लिप्स की। बड़े लिप्स वालों को कई बार लोगों की हंसी का कारण बनना पड़ता है, बट आप इस सिंपल एक्सरसाइज से अपने होठों को स्लिम लुक दे सकते हैं। तो सबसे पहले अपने लिप्स को थोड़ा अंदर की ओर हल्के से खींचना है। कुछ देर इसी पोजीशन में रहने के बाद इस तरह से डक पोज बनाए और इस पोजीशन को भी कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करना है। अगली एक्सरसाइज है मेविंग। अपनी टंग की टिप से आगे के दांतों के ऊपर वाले हिस्से पे हल्के हल्के से प्रेस करना है। कुछ महीनों तक अगर आपने प्रॉपर तरीके से मेविंग की तो आपकी जाव लाइन में अच्छा खासा फर्क जरूर दिखेगा। अगली एक्सरसाइज है चीक लिफ्ट। इस फेशियल एक्सरसाइज से आप अपने चीक बोन्स को निखार सकते हैं। इसे करने के लिए अपने दोनों हाथों से तीन उंगलियों को अपने गालों के एरिया पे मसाज करनी है, आंखों के ठीक नीचे रखना है, अपनी उंगलियों से नीचे दबाते हुए अपने गालों को जितना हो सके उतना ऊपर उठाने की कोशिश करना है। इस पोजीशन में 3 से 5 सेकंड तक रहना है। अगली चीज, अपने ओवरऑल फेट को कम करने की कोशिश करना है। देखो, फेट हमारी बॉडी के कुछ खास हिस्सों में स्टोर होता है और फेस उनमें से एक है। जब हम वेट लॉस करने की कोशिश करते हैं तो हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स से फेट कम होने लगता है, और इसी तरह से जब आपके चेहरे से एक्सेसिव फेट कम होता है तो आपका फेस अपने आप शार्प दिखने लगता है। गुड थिंग इज दैट कि इसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज या फिर किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ जिम जाके वेट लिफ्टिंग करेंगे तब भी इसका रिजल्ट कुछ ही टाइम में दिखने लगेगा, या तो फिर आप जॉगिंग, स्विमिंग और साइकिलिंग जैसे एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। अगली चीज है हमारे दांत, यानी कि टीथ। दांत हमारे चेहरे की खूबसूरती के सबसे इम्पोर्टेंट लैंडमार्क में से एक है। कुछ लोगों के दांत एक प्रॉपर लाइन में होते हैं जिसकी वजह से जब वो हंसते हैं तो काफी अट्रैक्टिव दिखते हैं। फिर भले ही चाहे वो ऋतिक रोशन या फिर रणबीर कपूर की तरह गुड लुकिंग हो या ना हो, अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो आपको एक बार डेंटिस्ट से जरूर मिलना चाहिए। अब जिनके दांत खराब है तो जाहिर सी बात है कि ऐसी सिचुएशन में अक्सर लोग निराश हो जाते हैं, लेकिन निराश होने से कुछ नहीं होता। अगर आपके दांत प्रॉपर शेप में नहीं है तो अपना फोकस चेहरे के दूसरे फीचर्स पे लगाओ। अब बारी अपने बॉडी को क्लीन रखने की। बहुत सारे लोगों के शरीर पे बाल होते हैं, यानी कि हेयर्स, जो कहीं ना कहीं तुम्हारे लुक को खराब करते हैं। सोचो अगर ये बालों की केयर भी हम करने लगे और इन बालों को पूरी तरह से क्लीन कर दिया करे तो हमारी बॉडी कितनी अट्रैक्टिव दिखेगी। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए रेजर कर सकते हैं या वैक्सिंग भी करना पड़ सकता है, बट क्या आप जानते हो कि शरीर के बालों को कभी भी ब्लेड से साफ मत करना, क्योंकि उससे आपकी स्किन को नुकसान पहुंच सकता है और वैक्सिंग भी करने से दर्द होता है। तो इसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है मेन कोट का ये हेयर रिमूवल बॉडी स्प्रे, जो कि मैं खुद पर्सनली यूज कर चुका हूँ। मेन कोट का ये स्प्रे आपके बालों को 8 से 10 मिनट में साफ कर देता है और बाल साफ होने के बाद उस जगह पे स्किन गोरी दिखाई देने लगती है और स्मूथ भी हो जाती है। मेन कोट का ये हेयर रिमूवल बॉडी स्प्रे आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा और आपके शरीर के बाल कुछ मिनटों में गायब कर देगा, और इस स्प्रे से आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि इसमें एलोवेरा, ग्लिसरीन, नीम और लेमन ऑयल का यूज किया गया है। तुम इस स्प्रे की हेल्प से अपनी बॉडी के कहीं के भी बालों को आराम से साफ कर पाओगे, जैसे हाथों के, पैरों के, सोल्जर्स के, अंडर आर्म्स के, चेस्ट के, अंदर के प्राइवेट एरिया के। आपको सिर्फ कुछ स्प्रे अपने एरिया पे करना है और 10 मिनट तक इंतजार करना है। मेन कोड हेयर रिमूवल बॉडी स्प्रे आपको आसानी से 2-3 महीने काम में आ जाएगा। इसे खरीदने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में। वीडियो खत्म होने के बाद जरूर चेकआउट करना। और अब बात करते हैं चेहरे के उस फीचर के बारे में जो आपके फेस के ओवरऑल लुक को एक सेकंड में बदल सकता है, और ये फीचर है हमारी आंखों का।
अगर साइकोलॉजी के माने तो कई छोटी मोटी डिबेट तो आप सिर्फ अपनी आंखों के बल पे जीत सकते हैं। बस आपके आंखों में वो दम होना चाहिए जिससे आप सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के बात करें कि तभी उसकी बोलती बंद हो जाए। आंखों को एक अट्रैक्टिव लुक देने के लिए आप दो चीजें कर सकते हैं। सबसे पहला तो स्किन केयर यानी कि आईब्रो सेट करना, आंखों में काजल लगाना और दूसरा आंखों को नेचुरली पावरफुल बनाना लाइक एक्सरसाइज, योगासन, मेडिटेशन करना। दोस्तों एक बात मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, इस वीडियो में हमने चेहरे के लुक को इम्प्रूव करने के बारे में जितनी भी डिस्कशन की है वो कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि आपने बस घिसना शुरू किया और अगले दिन से लोग आपके चेहरे को देख के इम्प्रेस हो जाएंगे। धूल मिट्टी से हमारे स्किन के छेद में गंदगी और मिट्टी के कण जम जाते हैं जिससे हमारी स्किन बेजान हो जाती है। स्किन को चमकदार बनाने के लिए लोग कई तरह के कॉस्मेटिक और क्रीम पाउडर का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि फेस मास्क, क्रीम, स्क्रब, फेस वॉश। स्किन का ग्लो पाने के लिए लड़के और लड़कियां बहुत से पैसे खर्च कर देते हैं। इनमें से कुछ लोगों को रिजल्ट मिलता है और कुछ लोगों को नहीं मिलता है और उनका पैसा बर्बाद हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी स्किन को अच्छे से नहीं जानते और हमारी स्किन पे उल्टा रिएक्शन शुरू हो जाता है। चेहरे के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको जानना बहुत जरूरी है जिससे आपका चेहरा ग्लो कर सकता है। नंबर वन, चेहरे को फेस वॉश से धोए। एक अच्छी स्किन बनाने के लिए एक अच्छे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना होता है या फिर अपना डेली रूटीन अच्छा करना होता है। दिन में कम से कम दो बार अपना चेहरा किसी अच्छे फेस वॉश से धोए। इससे आपका चेहरा सुबह सुबह से तरोताजगी फील करेगा। और शाम के समय में भी फेस वॉश करना है जिससे धूल मिट्टी और हर तरह का पोल्यूशन आपके चेहरे से साफ होगा। ध्यान रखना कि ज्यादा फेस वॉश का इस्तेमाल ना करें वरना त्वचा ड्राई हो सकती है। नंबर टू, क्लींजिंग से चेहरे का ग्लो बढ़ जाता है। चेहरा साफ केवल पानी या फेस वॉश से नहीं होता, चेहरे को गहराई से साफ करना जरूरी होता है जिसमें क्लींजर का उपयोग करना होता है। स्किन की देखभाल की दिनचर्या में सफाई एक इम्पोर्टेंट चीज है। बाहर से आने के बाद या रात को सोने से पहले चेहरे को एक अच्छे क्लींजर से साफ करो, इससे स्किन गहराई से साफ होगी। नंबर थ्री, टोनर चेहरे की गंदगी साफ करता है। स्किन को हेल्थी बनाए रखने के लिए सफाई के बाद टोनर का उपयोग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। टोनर स्किन में अंदर तक जाता है, मेकअप और गंदी चीजों को सही ढंग से हटाता है जो क्लींजर से छूट गई होती है। इसके अलावा टोनर हमारी स्किन के पीएच लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है। स्किन की कई तरह की जरूरतों के लिए कई तरह के टोनर मार्केट में मिलते हैं, पर मैं तुमको बताना चाहूंगा कि खरीदने से पहले डॉक्टर से जरूर बात करें। नंबर फोर, चेहरे को मॉइस्चराइज करें। बदलता मौसम और कई सारे रीजन की वजह से स्किन की नमी कम होने लगती है और स्किन ड्राई होने लगती है। ऐसे में स्किन को मॉइस्चराइज करने की जरूरत होती है, इसीलिए जब भी फेस वॉश, स्क्रबिंग या चेहरे को साफ करें तो मॉइस्चराइजर का उपयोग जरूर करें। शहद, नारियल तेल, बादाम तेल और ऐसे ही कई तरह के घरेलू मॉइस्चराइजर का उपयोग किया जा सकता है और आयुर्वेदिक मॉइस्चराइजर प्रोडक्ट्स आप खरीद सकते हैं। नंबर फाइव, सनस्क्रीन इम्पोर्टेंट है। धूल और पोल्यूशन के अलावा सूरज की हानिकारक किरणें भी हमारी स्किन के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। वो समय से पहले झुर्रियां, दाग धब्बे, चकत्ते, सनबर्न, टेन और कई सारी स्किन की समस्याएं पैदा कर सकती है। इन समस्याओं से बचने के लिए जरूरी है कि दिन में जब भी आप बाहर जाए तो सनस्क्रीन जरूर लगाए। जबकि कुछ लोग मानते हैं कि सनस्क्रीन केवल गर्मियों में ही जरूरी होती है, पर रियलिटी में ये चीज हमें पूरा साल यूज करनी चाहिए, यहाँ तक कि बरसात और सर्दियों के मौसम में भी। कोई भी अच्छे ब्रांड का सनस्क्रीन आप धूप में जाते समय लगा सकते हैं। नंबर सिक्स, स्किन केयर रूटीन में नाइट क्रीम। नाइट क्रीम हमारी स्किन की देखभाल की दिनचर्या का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है क्योंकि ये हमारी स्किन को पोषण और नमी प्रोवाइड करती है। रात में मेकअप हटाने और चेहरा साफ करने के बाद स्किन ड्राई हो सकती है, इसीलिए नाइट क्रीम लगाने से इसे नरम और कोमल बनाए रखने में हेल्प मिलती है और इसे सोने से पहले ही लगाया जाता है। नंबर सेवन, आंखों की क्रीम। रात को सोने से पहले आई क्रीम लगाना और आई ड्रॉप का इस्तेमाल करना याद रखना। आपकी आंखों के आसपास की स्किन बहुत नाजुक होती है, इसीलिए इस पर अच्छे से ध्यान देने की जरूरत होती है। आई क्रीम का उपयोग करने से काले धब्बे और झुर्रियों से छुटकारा पाने में हेल्प मिलेगी, इसीलिए सोने से पहले इसे अपनी आंखों के नीचे जरूर लगाना। नंबर एट, पानी पिए। देखो आप मानो या ना मानो पर बहुत सारे स्किन एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि पानी आपकी स्किन को ब्राइट और सुंदर बना सकता है। ये जितनी भी चीजें थी ये सब बाहर से देखभाल और सुंदर बनाने के लिए थी, बट वाटर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर नेचुरल ब्यूटी। पानी पीने से आप हाइड्रेट रहते हैं जिससे स्किन साफ और फ्रेश लगती है। हर इंसान को कम से कम 8 गिलास पानी रोज पीना चाहिए। एक चीज को आप ठीक से समझ लो, शॉर्टकट से भले ही आप अपनी मंजिल पे जल्दी पहुंच जाओगे लेकिन आपको ओवरऑल वो क्वालिटी रिजल्ट नहीं मिलेगा जो पेशेंस के साथ काम करने से मिलता है। जरा सोचिए, बॉलीवुड के जाने माने स्टार अक्षय कुमार साल में 4 से 5 फिल्में करते हैं, जबकि राजामौली जैसे डायरेक्टर एक फिल्म बनाने में कितने साल लगाते हैं। 2 मिनट में सिर्फ मैगी बन सकती है, लेकिन अगर आपको एक ऐसी डिश बनानी है जिसका टेस्ट खाने वाला कभी ना भूल पाए तो उसके लिए आपके पास कुकिंग के फील्ड में सालों साल का एक्सपीरियंस और मसालों की नॉलेज होनी चाहिए। इसी तरह से अगर आपको इस दिखावे की दुनिया में एक परमानेंट गुड लुकिंग चेहरा चाहिए तो आपको पेशेंस के साथ वो सब बातें फॉलो करनी पड़ेगी जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में बताया है। हाँ, मैं ये चीज अच्छी तरह से समझ सकता हूँ कि जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलता तब तक शायद आपको अपने फेस की वजह से काफी कुछ झेलना पड़ेगा, लेकिन इस बात को याद रखना कि सोने की असली चमक तभी दिखती है जब वो आग में तपता है। जो लोग
लोग आज तुम्हारे चेहरे पे कमेंट पास कर रहे हैं, आने वाले कल में वही लोग तुमसे दोस्ती करने को तरसेंगे। बस तुम एक बार दिल से कोशिश तो करो। वक्त बदलने में सिर्फ एक पल का वक्त लगता है। जब आप सोच लेते हैं कि हाँ मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है, उसी पल से आपका वक्त बदलने लगता है। इतिहास में जितने भी महापुरुषों का नाम है, उन सब ने अपनी जिंदगी में कड़ा संघर्ष किया था, इसीलिए आज हम उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। अब किसी की जिंदगी का रोल मॉडल बनना है या फिर रील्स पे मॉडल्स को देख के हवस की आग में खुद को खत्म करना है, ये आप सोचो। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको अपनी बॉडी को क्लीन रखने के लिए मेन कोट का हेयर रिमूवल स्प्रे आपको जरूर खरीदना है। इससे आपके बॉडी के हेयर्स आसानी से गायब हो जाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर चेकआउट करना। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।